अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। व्हाट इज़ डिस्प्ले डिवाइस? द डिस्प्ले डिवाइस इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। यानी हमने कोई भी इमेज जो है उसको किसी डिवाइस में स्टोर कराया है और उसको हमने रिप्रेजेंट कराना है उस इमेज को किसी विजुअल फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में। तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे वो डिस्प्ले सिस्टम है या डिस्प्ले डिवाइस है। और डिस्प्ले सिस्टम्स को हम मोस्टली वीडियो मॉनिटर्स बोलते हैं या वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स कहते हैं। There are some display devices given below like cathode ray tube, CRT, color CRT monitors, liquid crystal display, LCD, light emitting diode, LED, direct view storage tubes, DVSD, plasma display and 3D display. What is cathode ray tube? Our today's topic is cathode ray tube. CRT stands for cathode ray tube. It is technology which is used in traditional computer monitors and television. ये वो technology है जो आजकल हमारे TV systems में और computer में use हो रही है। Cathode ray tube में होता क्या है? इसमें आपकी एक vacuum tube होती है जो display करती है images को, जब आप उसमें से उस tube में से electron beam जो है वो pass कराते हैं। Electron beam जो है हमारी वो collide करती है radiant surface के साथ जो हमने उस tube के अंदर प्लेस की हुई होती है फॉस्फोरस की। रेडिएंट सरफेस जो है वो एक्चुअली शाइनी होती है, ग्लोइंग होती है, और जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करती है तो आपके इमेजेस जो हैं वो ब्राइट डिस्प्ले होते हैं। ये क्या होता है इसमें कि मॉड्यूलेट करता है एक्सेलरेट एंड डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम्स ऑन टू द स्क्रीन टू क्रिएट द इमेजेस। इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो है मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है, उनको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है और स्पीडअप किया जाता है ताकि वो अपनी डायरेक्शन जो है उसको डिफ्लेक्ट करते हुए डिफरेंट एंगल्स में स्क्रीन में फॉल करें और आपके इमेजेस क्रिएट करें। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्प्लेज मेक यूज़ ऑफ सीआरटी फॉर इमेज डिस्प्लेइंग पर्पसेस। इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए आजकल जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं मेजॉरिटी जो हैं वो यूज़ करते हैं सीआरटी मॉनिटर्स को। CRT मॉनिटर में जो इसका स्ट्रक्चर है, ये वर्क कैसे करता है, ये आपकी बेस लाइन है और ये आपके कनेक्टर पिन्स होती हैं जिससे आप इसको कनेक्ट करते हैं। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन गन। हेयर इज़ द कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज। ये जो लाइन डिस्प्ले की है ये आपके वोल्टेज जो आपने इलेक्ट्रॉन गन को दिया होगा यहाँ पर ये उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद आपके ये आते हैं फोकसिंग सिस्टम जिसको आप फोकसिंग एनोड भी बोलते हैं। उसके बाद आपके आती है ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये आपकी वाई डिफ्लेक्टेड प्लेट्स है, यानी ये वाली जो टॉप एंड बॉटम ब्लू कलर में जो है टॉप एंड बॉटम, ये आपकी डिफ्लेक्टेड प्लेट्स हैं जिनको आप वर्टिकल डिफ्लेक्टेड या मैग्नेटिक प्लेट्स भी बोलते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर में है जिसकी आपको पॉइंट आउट किया गया है एक्स डिफ्लेक्ट का, इसका मतलब ये आपकी हॉरिजेंटल मैग्नेटिक डिफ्लेक्टेड प्लेट्स हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही होती हैं उनकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना होता है ताकि वो किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट में, ये जो आपकी स्क्रीन है फॉस्फोरस होता है, स्क्रीन के ऊपर कोटेड होता है फॉस्फोरस के साथ और इसमें जो है आपकी ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल करती है किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब फॉस्फोरस में जो है फॉस्फोरस को यूज़ करने का मकसद क्या है यहाँ पर, क्योंकि फॉस्फोरस की ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट एमिटिंग जो है एक मटेरियल है, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो मज़ीद ग्लो करता है, इसीलिए हम जो है इसमें फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें अब इलेक्ट्रॉन गन की, तो इलेक्ट्रॉन गन जो है ना उसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है हमारा कैथोड और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड तो ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, जो आपका वोल्टेज है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कैथोड में क्या होता है, कैथोड के अंदर होती है एक वायर कॉयल होती है, जो वायर की बनी होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। हमने करंट पास करना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन में। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो आपका फिलामेंट है वो क्या करेगा, हीटअप हो जाएगा, और जब हीटअप होगा तो उससे आपका कैथोड जो है वो भी हीटअप हो जाएगा और एमिट होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल कर आपके
कंट्रोल वोल्टेज मतलब जितना भी वोल्टेज है उसका आपने करंट का दिया हुआ उसमें कंट्रोल सिस्टम से पास आउट करते हुए आपके फोकसिंग सिस्टम यानी एनोड पर आ जाएगा। एनोड पर आने के बाद आपके डिफ्लेक्टेड प्लेट्स में आएगा और डिफ्लेक्टेड प्लेट्स जो हैं उन तमाम इलेक्ट्रॉन बीम्स को लेते हुए पास आउट करते हुए किसी खास डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब ये वाली जो डिफ्लेक्टेड प्लेट्स हैं ये टॉप डाउन और लेफ्ट राइट पर ये रिवॉल्व कर रही होती हैं कंटिन्यूसली, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन बीम उसमें से पास करती है ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही होती हैं इन सर्कुलर मोशन, और ये रिवॉल्विंग इसीलिए होती है कि आपकी बीम जो आ रही है उसको जिस डायरेक्शन में लेकर जाना है वो उसी डायरेक्शन में रहे, आपके इलेक्ट्रॉन बीम के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट इधर उधर ना हो। फिर आपकी बीम जो है वो स्क्रीन जो फॉस्फोरस की होती है उसके ऊपर फॉल करती है और आपका जो इमेज है वो डिस्प्ले होता है। अब हमने जब यही चीज़ जो होती है इसको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन है हमारी इसमें से जब हमने एक दफ़ा इसको डिस्प्ले करा दिया इमेज को और हम दोबारा से जो है बीम इन यानी रिपीडेडली हम जब फॉल कराएंगे फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि ये रिफ्रेश सीआरटी है, यानी इमेज को जो है स्क्रीन को जो है वो बार बार रिफ्रेश करता जाता है। इसके कंपोनेंट्स में जो हमने अभी डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन गन इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स मेनली अ हीटिंग फिलामेंट एंड कैथोड, यानी कैथोड और हीटिंग फिलामेंट होता है। इलेक्ट्रॉन गन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड ऑन ए नैरो बीम फेसिंग द सीआरटी, यानी यहाँ पर जो है ये एक नैरो बीम की शक्ल में एक बहुत तंग सी जो होती है इलेक्ट्रॉन बीम्स उसकी शक्ल में ये पास आउट करता है स्ट्रेट लाइन में और उसके बाद जो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ इसने फॉल करना है वहाँ पर फॉल करता है। उसके बाद आपके आते हैं फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स। दीज एनोड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए नैरो एंड शार्पली फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोकसिंग का जो होता है मकसद एनोड्स का वो होता यही है कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे हैं एमिट आउट हो रहे हैं उनको उनकी डायरेक्शन को फोकस्ड रखे और एक शार्प इमेज जो है उसको प्रोड्यूस करे। हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हमने मैग्नेटिक प्लेट्स पढ़ी उसमें क्या है, दीज प्लेट्स आर यूज टू गाइड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन द बीम। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन हमने प्रोवाइड करनी होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कि उसने स्क्रीन के किस पोर्शन पर जाकर फॉल करना है। द प्लेट्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बेंड्स द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द एरिया एज इट ट्रेवल्स। फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन आती है। द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इज यूज टू प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट्स व्हेन द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स। जब हम जितनी एक्सेलरेशन के साथ जितनी स्पीड के साथ हम इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रही है उसको फॉल करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन गन से जितनी हम एक्सेलरेशन के साथ और जितनी हम डायरेक्शन को फोकस रखकर फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर हम फॉल करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम को, उतना ही हमारा जो इमेज है वो ब्राइट होगा। रिफ्रेश सीआरटी मीन्स द रिपीटेड ड्राइंग ऑफ ए पिक्चर टू कीप द ग्लोइंग ऑफ द फॉस्फोरस इंटैक्ट, यानी हमने जो है बार बार इमेज को इलेक्ट्रॉन गन को हमने रिपीटेडली जो है स्क्रीन के ऊपर फॉल कराना है ताकि आपकी पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती रहे। तो ये आपका ये जो फिनोमिना है ये आपका रिफ्रेश सीआरटी कहलाता है। अब बात करते हैं हम कि इमेज डिस्प्ले कैसा होता है। दो तरीके होते हैं इमेज को डिस्प्ले करने के, एक आपका इमेज होता है रास्टर स्कैन और दूसरा होता है रैंडम स्कैन। रास्टर स्कैन में क्या होता है, इट इज़ अ स्कैनिंग टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अलोंग द स्क्रीन। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्क्रीन के साथ साथ मूव करती है। इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवरिंग वन लाइन एट ए टाइम, एक वक्त में इसने एक ही लाइन को कवर करना होता है। अ रास्टर स्कैन इज बेस्ड ऑन पिक्सल इंटेंसिटी कंट्रोल डिस्प्ले एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन द स्क्रीन कॉल्ड अ रास्टर। इसमें आपकी जो पिक्सल की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है बेसिकली, यानी इंटेंसिटी हमने लाइक प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि पिक्सल की ब्राइटनेस है या डलनेस है उसको बोलते हैं। उसके बाद हमने जो पिक्चर जिस तरह की डिस्प्ले करानी है उसकी डिस्क्रिप्शन कि कैसी हो इमेज, मतलब सर्कल है कोई लाइन है या जो भी आपकी इमेज होती है उसमें हमने वो पिक्चर की डिस्क्रिप्शन जो है वो कहीं स्टोर करानी है किसी मेमोरी एरिया में, तो उस मेमोरी एरिया को जहाँ पर आपकी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन स्टोर होती है उसको हम रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर बोलते हैं। फ्रेम बफर इज़ ऑल्सो नोन एज रास्टर और बिट मैप, क्योंकि इसमें हमारे पास जो रास्टर स्कैन होता है इसमें ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जनरेट होते हैं और इसमें ब्लैक एंड वाइट के लिए वैल्यू हम सिर्फ दो ही
सर्किट्स यूज करते हैं, एक आपकी वन है और दूसरी आपकी जीरो, इस वजह से हम फ्रेम बफर को जो है वो अकेला रास्टर भी बोल देते हैं या बिट मैप भी बोल देते हैं। रास्टर्स कैन प्रोवाइड द रिफ्रेश रेट ऑफ 60-80 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी 60-80 फ्रेम्स जो है एक सेकेंड के अंदर आपका रास्टर स्कैन जो है वो ये बफर में स्टोर करवा सकता है। अब इसमें यह देखें आप कि ये आपकी सरफेस है, यानी आपका कोई टीवी स्क्रीन है, और इसमें क्या होगा, व्हेन द बीम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसने फायर करना स्टार्ट किया, ये वाली रो से मूव किया एंड रीचेस द बॉटम राइट एंड अगेन रिटर्न टू द टॉप लेफ्ट यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसमें इसने ये पूरी जो है लाइन वो कंट्रोल की। इसमें हम कहेंगे कि वर्टिकल रीट्रेस है, इट विल बैक फ्रॉम बैक टू टॉप टू बॉटम मूव हॉरिजॉन्टली एज द हॉरिजॉन्टल रिवर्सल। अब इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बीम ने यहाँ से फॉल किया इस पॉइंट पर जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, और यहाँ से ये मूव करते हुए पूरा इसने जितनी पिक्सल वैल्यूज़ हैं उनको कवर करके ये यूँ आया इस पॉइंट पर अगेन, फिर इसने मूव किया फिर इस पॉइंट पर फ्रॉम यानी लेफ्ट राइट जो है ये होता रहा, ये मैनर जो है ये zigzag फैशन में आ गया, और इसको हम कहेंगे कि ये आपका हॉरिजेंटल डिस्प्ले हो रहा है और जो आपकी इमेजेस हैं वो रास्टर स्कैन आ रही हैं। जो वर्टिकल इमेजेस होंगी उसमें ये आपके वर्टिकल रैंडम स्कैन में यूज़ होता है, जिसको हम अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। रास्टर स्कैन जो है उसमें आपकी इमेजेस zigzag फैशन में आ जाती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि रियल इमेज आपका जनरेट होता है, मैनी कलर्स टू बी प्रोड्यूस्ड, डार्क सीन्स कैन बी पिक्चर्ड, और आप एक क्योंकि आपके जो कलर इंटेंसिटी है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, तो आप उन शेड्स के साथ जो है डिफरेंट कलर के इमेजेस जनरेट कर सकते हैं विद इन दी वैल्यू ऑफ 1 एंड 0। उसके बाद डार्क सीन्स जो हैं आप उनको पेंट कर सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी रेजोल्यूशन लेस होती है, और डिस्प्ले पिक्चर लाइन बाय लाइन इसने क्योंकि zigzag मैनर में मूव करना होता है, पिक्सल बाय पिक्सल रो बाय रो ये आपकी वैल्यू को लेता है, यानी ये रोज जो हैं ये बनी हुई हैं, ये पहले एक रो को कवर करेगा देन स्टार्ट से दूसरी रो को देन तीसरी रो को, तो रो बाय रो में ये जो है एक एक पिक्सल वैल्यू को पिक करता जाता है, तो इस वजह से इसका डिस्प्ले जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी है। रैंडम स्कैन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। रैंडम स्कैन में हमने मतलब स्ट्रोक ग्राफिक और कैलीग्राफिक डिस्प्ले इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हमने लाइंस के साथ डील करना होता है, आप कोई जो है सर्कुलर इमेजेस से जनरेट नहीं कर सकते, इसने एक लाइन जो है वो थ्रो करनी होती है बीम ऑफ लाइट के साथ और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो जाती है। इन दिस द इलेक्ट्रॉन बीम पॉइंट्स ओनली टू द एरिया इन विच द पिक्चर इज़ टू बी ड्रॉन, यानी जहाँ पर आपकी पिक्चर ड्रॉ करनी है उसकी हमने पिक्चर को ड्रॉ करने से पहले फ्रेम बफर के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन बता देनी है कि फ्रेम बफर में हम ऐसी पिक्चर जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके बाद वो उस अकॉर्डिंग पिक्सल वैल्यू को देखते हुए पिक्सल पॉइंट्स को देखते हुए और उसमें हमने सारा जो है उसकी पिक्चर के डिस्क्रिप्शन को देखते हुए हमने डिस्प्ले करना है। इट यूजेज़ एन इलेक्ट्रॉन बीम लाइक ए पेंसिल टू मेक अ लाइन इमेज ऑन द स्क्रीन, द इमेज इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ऑन द स्क्रीन, ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन बाय द बीम टू पास फ्रॉम वन पॉइंट टू द स्क्रीन टू एन अदर वेयर इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स डिफाइन ईच पॉइंट। आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ पिक्चर ड्रॉइंग द सिस्टम साइकिल बैक्स टू द फर्स्ट लाइन एंड क्रिएट्स ऑल द लाइन्स ऑफ पिक्चर्स 30-60 टाइम्स पर सेकेंड। इसमें क्या होगा, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है और ये आपकी स्क्रीन है, उसने ये बीम जो है वो थ्रो किया आपकी स्क्रीन के ऊपर और एक लाइन जनरेट कर दी, ठीक है, ये लाइन जो है जनरेट होगी और उसके बाद अगेन आपकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल होगी और सेकेंड लाइन जिस पॉइंट पर वो फॉल हुई वहाँ से नेक्स्ट लाइन जनरेट होगी, ये जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन जो आपने फ्रेम बफर के अंदर पिक्चर की डिस्क्रिप्शन बताई है कि आप किस तरह की पिक्चर चाहते हैं। इसी तरह से अगेन आपकी इलेक्ट्रॉन बीम होगी और फाइनल इमेज जो है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस हैं, हाई रेजोल्यूशन होती है ऐसी पिक्चर्स की, ड्रॉ स्मूथ लाइन ड्राइंग, इसमें कैलीग्राफिक और आपकी लाइन ड्राइंग जो होती है उसमें ये बहुत स्मूथली वर्क करता है। इट डज ओनली द वायर फ्रेम एंड इट क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स सीन्स ड्यू टू द फ्लिकर। कॉम्प्लेक्स सीन्स इसमें क्या होता है कि आपकी ये चीज़ें जो हैं
सिर्फ पॉइंट वैल्यूज़ को कनेक्ट करते हुए ये ड्रॉ करता है, तो इस वजह से अक्सर जो पिक्चर्स बनती हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं जो आर्किटेक्चर बेस में हम यूज़ करते हैं। अब इमेज फाइनल जो है वो डिस्प्ले किस तरह से है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्वेप्ट अक्रॉस द डिस्प्ले स्क्रीन इन द रास्टर स्कैन ऑर्डर, यानी लेफ्ट टू राइट या बॉटम टू टॉप जो है आपकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है स्क्रीन के ऊपर। द वोल्टेज ऑफ बीम इज वेरिड ड्यूरिंग द रास्टर स्कैन टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ ईच लोकेशन अकॉर्डिंग टू द इमेज इंटेंसिटी। आपने फ्रेम बफर में जो इमेज इंटेंसिटी स्टोर कराई है उसके अकॉर्डिंग बीम का जो वोल्टेज है वो वेरी करता रहता है, जैसे ही आपके रोज में यानी रास्टर स्कैन ऑर्डर में आपका इमेज मूव करता रहता है उसी तरह से वो आपकी जो ब्राइटनेस है उस पॉइंट की पिक्सल की ब्राइटनेस और डलनेस जो है वो वेरी करती रहती है। एंटायर स्क्रीन इज स्कैन रिपीटेडली एट ए हाई रेट 60 हर्ट्ज, यानी 60 हर्ट्ज के रेट पर तमाम स्क्रीन जो है आप उसको रिपीट करते रहते हो, आप इतनी रिफ्रेश होता है इमेज और आपकी जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्प्ले रहता है। डिफरेंस बिटवीन रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन क्या है, रास्टर स्कैन का जो रेजोल्यूशन होता है वो लेस होता है और इसमें आपकी लाइंस जिगजैग मैनर में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वेल सुटेड फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ सीन्स, कुछ भी सीन आपने रियलिस्टिकली डिस्प्ले कराने हैं तो उसके लिए वेल सुटेड है। रैंडम स्कैन में क्या होता है, डिस्प्लेस द हाई रेजोल्यूशन, इसमें हाई रेजोल्यूशन होती है, स्मूथ लाइन्स जो है ये ड्रॉ होती हैं, वेल सुटेड फॉर लाइन ड्रॉइंग एप्लीकेशंस, जिसमें आपने कैलीग्राफी करनी है या आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाना है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले यूज़ करते हैं।